अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो टैंगो। अफ्तारी में इसकी रिफ्रेशिंग टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बाज़ार से लाने की बजाय आप इसको घर में बनाएं तो बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़े का लगेगा। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तकरीबन ये 2 कप के करीब कटी हुई कच्ची केरी है, इसमें से कुछ सॉफ्ट हो गई है, और जो ये वाली है ये थोड़ी सी कच्ची है, जिससे इसका खट्टा और मीठा टेस्ट मिलके बहुत अच्छा सा टेस्ट मिलेगा। ये 4 टेबल स्पून के करीब चीनी है, और ये अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसमें ऑरेंज टैंग 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। तो चलिए आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये अब मैंने इसको 2-3 गिलास पानी के करीब इसमें शामिल कर दिया केरी, और अब इसमें ये चीनी भी शामिल कर देती हूँ। और अब इसको मैं सॉफ्ट होने तक इसको मैं पकाऊंगी, उसके बाद का प्रोसेस फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, अब ये पकने के बाद ऐसे नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब जैसे ही ये अभी थोड़ा ठंडा होगा तो फिर मैं इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ब्लेंडर में डालने के बाद इसको स्ट्रेन करूँगी। अब मैंने इसको जग में डाल दी है और अब मैं इसको चलाऊंगी। कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये देखिए। अब ये बनके रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा मैंने स्टेन किया था लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। इसमें से बर्फ़ डाली है और इसमें मैंने टैंग नहीं डाला, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये खट्टा ही होगा। अब ये रोज़ अफ्तार होगा तो पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा आया। एनी हाउ, ये बहुत यम्मी मज़े का लग रहा है मैंगो टैंगो, बिल्कुल स्लाइस फ्रूट जैसा इसका टेस्ट होगा। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।